बकरे का मैं खुद करता हूँ, आज पूरा बकरा मैंने, ये देखे मैंने मछली का गोश्त बनाया और ये पिछली दो टांगे पड़ी हैं और ये पल्ले हैं जिसका कीमा बनता है। मैंने कहा चलो ये वाला काम ना पहले दिन मैं खुद करूँ, कल कसाई आएंगे वो बैठा करेगा। उल्टा मार के इसको ये होता है, इस हड्डी को कसाई भी तोड़ के फेंकते हैं, सुना है कि इसके कोई जादू टोना भी हो जाता है जिसको पता। ये मैंने निकाली है, ये मेरे घर इन्हों ने निकाली है, कसाई ऐसा निकालते हैं। अब कसाई परेशान हो गया, रंगों ने है काम भी सीख लिया। अच्छा जी, जो मेरा है ना जिनसे मैं गोश्त लेके आता हूँ, क्या नाम है अपना? इशवाक भाई। इशवाक भाई जो आप कहेंगे अच्छा रैम्बो साहब ने साढ़ा काम ही शुरू कर देता जी। ईद वाले दिन ना टाइम नहीं होता, तोड़ के फेंकते हैं, इस पे सुने जादू होता है। ये लोग काला जादू करते हैं, ये उठा के ले जाते हैं। तो आप भी घर में कभी करें इस वाली हड्डी को तोड़ना। नमाज पढ़ के आए हैं और शुरू हो गए थे नाश्ता करने के बाद, कलेजी पक रही है, उसका फिर हम अभी दोपहर का खाना खाएंगे। और ये जो चर्बी है, ये चर्बी आप किसी बेकरी को, ये चर्बी नहीं फेंकनी, इसी चर्बी में पकाया करें। ये जो ऑयल आना शुरू हो गया ना, हमें उधर लगा दी है, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। आप इस दफ़ा जितना भी गोश्त पकाएं तो वो उसी की चर्बी में पकाएं, आइंदा की कोशिश करें कि जब आप गोश्त लेके आते हैं, अल्लाह ने घी बकरे के साथ दिया होता है, दुबे के साथ दिया होता है, हम असली घी फेंक के तो बाज़ार के वो जो ऑयल हैं केमिकल होते हैं जिनसे शुगर और ब्लड प्रेशर और बाकी बीमारियाँ आम हो गई हैं जो आज से 40-50 साल पहले नहीं थी, जब तक ये ऑयल नहीं आए। इसी में पकाया करें। एक डिश में बनाऊंगा दम पुख्त, पेड़े बाकी चित्तीगढ़ दम चिंक चिकना के चिक, वो मैं बनाऊंगा दम पुख्त। तो बेगम साहब हंस रही हैं, आप क्यों हंस रही हैं? तो वो मैंने बनाना है, उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगा, वो बड़ा मजा आता है, उसका बीफ का मजा आता है। वाले हम लोग ईद के कपड़े चेंज करके आ चुके हैं, रैम्बो साहब भी इजी, जैसे कि मैंने बताया था कि अपनी शॉर्ट्स में इसका मजा ही और है, वो इतनी तेज नहीं आराम है, सारा पुलाव एक बकरी की चांपे होती कितने। अच्छी जी, ऑर्गन भी खाने चाहिए, गोभी कलेजी, दिल। दिल के बारे में किसी हकीम साहब से मैंने सुना था कि ज़रूर एक दो महीने में एक दफ़ा उसको भी खाना चाहिए बकरे का। ऑर्गन्स का भी बड़ा अमर दफर होता है आपकी ज़िंदगी में, जानवरों का जी। ये अच्छा, तकरीबन ये हो गया है और कल हम करेंगे उसकी कुर्बानी, उसके भी मैं शॉट आपको थोड़े से दिखाऊंगा, या वीडियो इकट्ठी लगा दूंगा। एक रात जाएगी थी, जाहिर है ससुराल, ससुराल में जाती होती है। एक रात जो है वो भाई आए हुए हैं, वो कहते हैं जी हमें इधर ही बना के खिला दें, हम साथ नहीं लेके जाएंगे अपना हिस्सा। इससे भी इधर ही की है, पहले वाले साहब होते थे वो आ जाते थे, ये मैं चला जाता था। अब मैं बड़ा हूँ तो छोटे बहन भाई मेरे पास आ जाते हैं,
जो हैदराबाद वाली है हवेलियाँ वाली, वो ईद के कुछ दिनों बाद आती है, क्योंकि वहाँ गाँव का अपना एक माहौल होता है, पूरा पूरा टब्बर पूरा पूरा खानदान इकट्ठे हुए होते हैं, तो वो उनके अपनी रस्में और अपना सब के खाने बारी बारी, वो उधर से फ्री होके तो वो मेरे पास जो आती है, मेरी छोटी बहन और बच्चे वो तीसरे चौथे दिन आते हैं, तो मेरा सा लगा रहता है। ये वो रस्में हैं जो हम टीवी और फिल्मों में अब नहीं दिखाते, हम अपना सब कुछ भूल गए, बाकी सब कुछ दिखाते हैं। इसी बात पे एक बात याद आई मुझे, लामा साहब के कल कुछ बातें थी, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं, अपने अपने इस्लाम की कोई भी अदा याद नहीं, हाँ अगर याद है तो काफर के तराने हैं, नहीं याद तो काबे की सदा याद नहीं। बिनते हवा को नचाते हैं सरे महफिल, अब कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं, आज अपनी जिल्लत का सबब ये है शायद, सॉरी आज अपनी जिल्लत का सबब ये है शायद, सभी कुछ याद है बस खुदा याद नहीं। अपनी रस्में भूल गए हैं, वैलेंटाइन डे थे, फादर्स डे थे, मदर्स डे, वो हम फिल्मों में टीवियों में दिखाते हैं, हमने कभी ये नहीं दिखाया। मकलावा बहन का मकलावा, बहनें ईद पे आती हैं भाइयों के घर, अपने माँ बाप के घर जाती हैं, कभी किसी ड्रामे में आपने नहीं देखा होगा, अफसोस की बात है। और ईद शबरात लेके जाते हैं भाई अपनी बहनों के घर, कभी किसी फिल्म ड्रामे में नहीं देखा ना, हम नहीं दिखाएंगे, हम दूसरा कल्चर दिखाएंगे, हमें पैसे मिलते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं, और बताया गया कि इनको अपना सब कुछ भुला दो, तो लामा साहब ने आज से कई साल पहले ये सब बता दिया, वही आज हो रहा है। तो अल्लाह पाक हम सब के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर अपना फजल व करम जारी रखे, तो ये जो साजिशें हैं ये इंशाल्लाह नाकाम हो रही हैं और होती रहेंगी, बस कोई बात नहीं चलता है। कल अब आपको मैं साथ दिखाऊँगा, कल कसाई आएँगे, वो बछड़ा करेंगे गाड़ा बैल, तो इंशाल्लाह खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ईद की खुशियाँ मनाएं। ईद अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है, अच्छे अच्छे खाना खाने खाने का नाम नहीं है, ईद खुशियाँ बांटने का नाम है। जो लोग आजकल तो खुशियाँ भी खरीदी जाती हैं ना, वो कुछ लोग नहीं खरीद सकते, तो हमारा फ़र्ज बनता है, उनका हक है, हमारा फर्ज है कि हम उन तक खुशियाँ जो है वो बांटें। तो ये खुशी का त्यौहार है, तो खुशियाँ बांटें, खुश रहें, अल्लाह आप सबको अपने जुबान में रखे, कल फिर दोबारा मुलाकात हो। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद का दूसरा दिन है और मैं सोता रह गया क्योंकि मैं थका हुआ था, तो बड़े बेटे जो हैं अहसन खान साहब, उन्होंने छुरी फेरी, पिछले 2-3 साल से ये काम मैं इन्हीं से करवा रहा हूँ, तो माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो गोश्त बिल्कुल तैयार है, मैं उठाऊँ, कसाई जा चुके हैं, अब हिस्से बन रहे हैं, शॉपरों में भरा जाएगा और इसे बांटा जाएगा। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करे, आप हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमारी कुर्बानी भी कबूल करे और हम सबको अपने शुमार में रखे। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।